उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 डिप्टी सीएम केशव कल पहुंच रहे सिराथू। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू से उम्मीदवार बनाया गया है। बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य 22 जनवरी को अपने गृह जनपद कौशाम्बी पहुंच रहे हैं। वहीं उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनका यह पहला सिराथू का दौरा है। इस दौरान उन्होंने आगमन को लेकर पार्टी नेताओं ने तैयारी भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार डिप्टी सीएम केशव मौर्य शनिवार सुबह 10 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से सिराथू पहुंचेंगे। वहां पर खरखरा इलाके में स्थित शीतला माता मंदिर में वह पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वे अपने चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश करेंगे। बता दें कि सिराथू में केशव मौर्य का कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि सिराथू में वह ग्राम प्रधानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। चर्चा यह भी है कि वह शाम को ही वापस लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। विधानसभा प्रभारी एवं भाजपा नेता अरुण अग्रवाल ने डिप्टी सीएम के सिराथू आगमन की पुष्टि की है। भाजपा नेता अरुण अग्रवाल के अनुसार डिप्टी सीएम शनिवार 22 जनवरी को सिराथू पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 2012 में भी सिराथू से चुनाव लड़ चुके हैं और उन्होंने तब से सपा की लहर होने का बावजूद इस सीट पर कमल खिलाने का काम किया था। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी